हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 11 अगस्त 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकलकर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकलकर आ रही है आरसीबी की टीम की साइड से, जहां पर फाइनली आरसीबी की साइड से एबी डिविलियर्स को किसी रोल के लिए कांटेक्ट किया गया है। हालांकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि किस एग्जैक्ट रोल के लिए आरसीबी की टीम एबी डिविलियर्स के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन इतना जरूर है कि काफी हाई चांसेस हैं कि एबी डिविलियर्स को ये टीम अपने मेंटोर के तौर पर अपनी टीम में आईपीएल 2025 के लिए जोड़ना चाहती है। फैंस भी पिछले काफी सालों से डिमांड कर रहे हैं, जब से एबी डिविलियर्स ने आईपीएल से रिटायरमेंट लिया, कि वो उनको किसी न किसी कैपेसिटी में आरसीबी की टीम में रिटर्न करते हुए देखना चाहते ही चाहते हैं। तो ऐसे में फाइनली आरसीबी की टीम एबी डिविलियर्स को साल 2025 से अपनी टीम के मेंटोर के तौर पर जोड़ सकती है, जो कि इनके फैंस को भी काफी ज्यादा खुश कर देगी। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है हार्दिक पांड्या की साइड से, जहां पर कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से डिस्प्यूट मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा पर्टिकुलर है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और उसके लिए उन्होंने रोहित शर्मा की लेगेसी की भी परवाह नहीं की थी और उनको कैप्टनसी से हटा दिया था। तो ऐसे में अब हार्दिक पांड्या के द्वारा भी मुंबई इंडियंस की टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अगर एमआई की टीम इनकी आईपीएल की कैप्टनसी भी छीनना चाहती है और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना चाहती है, तो फिर हार्दिक पांड्या इस टीम में खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हार्दिक की ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से ओडीआई और टी20 दोनों ही फॉर्मेट में कैप्टनसी छीन ली गई है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या किसी भी कीमत पर आईपीएल के प्लेटफॉर्म का यूज करके टी20 फॉर्मेट में वापस कैप्टन बनने की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में उनका सीधा सीधा लॉजिक है कि उनको किसी ऐसी आईपीएल टीम से ही खेलना है जो कि उनको कैप्टनसी ऑफर करे, और इस बार तो मेगा ऑक्शन है, काफी सारी टीमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में एज अ कैप्टन खुशी खुशी शामिल कर लेंगी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या ने एमआई को बता दिया है कि या तो वो उनको कैप्टन मेंटेन रखें या फिर वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के साथ स्टिक करना चाहिए या फिर किसी और नई आईपीएल टीम को ज्वाइन करना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग, जहां पर काफी ज्यादा आप लोगों के डाउट थे कि क्या इस बार का मेगा ऑक्शन हमें आखिरी मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारी आईपीएल टीमों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको मेगा ऑक्शन नहीं देखना है, लेकिन बीसीसीआई ने इन सभी टीमों की इस डिमांड को डिसबैंड कर दिया है। कल ही इनके द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि मेगा ऑक्शन का जो फॉर्मेट है वो हाल फिलहाल तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मेगा ऑक्शन से ही आईपीएल का मजा आता है, क्योंकि अगर एक टीम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो बाकी टीमों को भी 2-3 साल में मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी टीम को वापस से बिल्ड कर पाए। और आईपीएल का मजा यही है कि आपको चीजों को बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। अगर आप एक ही टीम के साथ सेटल हो जाएंगे और उसके बाद आपकी ही टीम आईपीएल 5-7-8 साल तक डोमिनेट कर रही है, तो फिर ये इनके हिसाब से फेयर नहीं है। तो इनके वजह से जो मेगा ऑक्शन है उसको ये डिसबैंड नहीं करने वाले। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है कायरन पोलार्ड की साइड से, जहां पर मुंबई इंडियंस ने अपनी आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन फिनिशर कायरन पोलार्ड को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। और इसके बाद पोलार्ड लगातार दुनिया भर में जितनी भी लीग खेलते हैं वहां पर वो हमें लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी इन्होंने राशिद खान को 5 गेंदों पर 5 लगातार 6 लगा दिए, और अगर आपको याद हो इससे पहले ये एक ओवर में 6 छक्के भी हमें सेम टूर्नामेंट में लगाते हुए नजर आए थे। तो पोलार्ड की इस तरीके की बल्लेबाजी देखने के बाद सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उनका मानना था कि मुंबई इंडियंस की टीम यंग प्लेयर्स और यंग टैलेंट को मौका देने के नाम पर अपने जो परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। पोलार्ड ने भी साफ साफ कहा था कि वो मुंबई इंडियंस की टीम को एज अ प्लेयर नहीं छोड़ना चाहते, अभी उनको लगता है कि उनके अंदर काफी क्रिकेट बाकी है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उनको टीम से हटाकर अपने कोचिंग स्टाफ में डाल दिया था। तो ऐसे में कायरन पोलार्ड अगर रिटायरमेंट से वापस आना चाहें तो हो सकता है कि वो आईपीएल 2025 में हमें वापस से अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिल जाएं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है आरसीबी की टीम की साइड से, जहां पर आरसीबी के क्लोज सोर्स की साइड से खुलासा किया गया है कि आरसीबी की टीम केएल राहुल के साथ लगातार बातचीत में है। लास्ट ईयर एलएसजी में जिस तरीके का बर्ताव केएल के साथ किया गया था उसके बाद ये तो सभी को पता था कि एलएसजी की टीम उनको निकालने वाली है, अगर वो नहीं निकालते तो केएल राहुल खुद ही लखनऊ की टीम को छोड़ देंगे। और अब ऐसे में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सोर्स ने बताया है कि केएल राहुल काफी पहले से ही आरसीबी की टीम के साथ कांटेक्ट में हैं, इवन लास्ट सीजन से ही आरसीबी के ओनर्स लगातार इनके साथ बात कर रहे हैं। वैसे भी केएल राहुल आरसीबी की टीम में ही हमेशा से खेलना चाहते थे, वो तो सिचुएशंस की वजह से आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया था, उसके बाद वो पीबीकेएस की टीम में चले गए थे। लेकिन इस बीच केएल राहुल हमेशा से ही अपने इंटरव्यूज में भी ये कहते हुए आए हैं कि आरसीबी ही उनकी होम टीम है और ऐसे में इसी टीम से वो खेलना चाहते हैं। तो शायद अब ये परफेक्ट टाइम है जहां पर केएल राहुल आने वाले 4-5 साल तक आरसीबी की कैप्टनसी कर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग केएल राहुल को आरसीबी में रिटर्न
करते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की साइड से। आज से कुछ दिन पहले अपडेट थी कि आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी दोनों ही जीटी की टीम को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या के साथ जो टीम इन्होंने बनाई थी वो काफी ज्यादा तितर बितर हो चुकी है। लेकिन ऐसे में रिपोर्टेडली जीटी की टीम पूरा ट्राई कर रही है कि कुछ भी करके आशीष नेहरा को अपनी टीम के साथ रोके रखे, क्योंकि आशीष नेहरा इस कॉम्पिटिशन के सबसे बेहतरीन कोचेस में से एक माने जाते हैं। ऊपर से वो भारत के भी डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफी अच्छे तरीके से पहचानते हैं, तो जीटी नहीं चाहती है कि आशीष नेहरा किसी भी कीमत में उनकी टीम को छोड़कर जाएं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर की साइड से, जहां पर श्रीलंका के हाथों ओडीआई मुकाबले में क्लीन स्वीप के बाद अब गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर गंभीर ने कहा कि हाल फिलहाल जो बायलेटरल की लॉस है उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देख रहे हैं और उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो वर्ल्ड कप की तरफ है। ऐसे में एक दो बायलेटरल सीरीज हारने या फिर जीतने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।